कोर्ट का सम्मान सबने करा, ठीक, भगवान राम का मंदिर है बनेगा, ठीक, कौन कह रहा, कौन रोक रहा, हम समर्थन करते हैं मंदिर बना लो, भाई हम कद रोक रहे हैं, पर बना वो चंदा तुम पहले ही लिमटा दोगे, खा लोगे, फिर क्या मंदिर बनेगा? तो चंदा को निमटाने का काम कर रहे हो, खाने का काम कर रहे हो, तो मंदिर कहाँ से बनेगा? फिर नु कह देंगे जनता को, वो बता देंगे कि जनता ने नहीं बनने दिया। हाँ अच्छी बात है, ये सामने लोगों के आ रहे हैं, इनके कर्म भी सामने आएंगे। भगवान राम के नाम पे इतना छीछी कंदा काम कौन करे भाई? भगवान राम के नाम पे रसीद काटते फिर रहे, और इतनी प्रोग्रेस तो मेरी उम्र में तो छोड़ो, आपकी में भी नहीं हुई होगी, आपकी उम्र में हुई इतनी प्रोग्रेस? 10 मिनट में 2 करोड़ की चीज 18 करोड़, तकड़ी छलांग मारी बाबा। बिल्कुल आरोप भैया, ये देखे आरोप, देख जनता जागरूक है, जनता को पता है, इतनी ऐसी क्या फतागी, 7 साल हो गए, पार्टी इनकी, पावर इनकी, सब चीज इनकी, क्यों नहीं बनाया इन्होंने भगवान राम का मंदिर? बताओ ना क्यों नहीं बनाया भाई? ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, हमें भ्रमित कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं बनाओ मंदिर भगवान राम का। ये पैसे इकट्ठे कर कर के यही तो घोटाला करा भगवान राम के नाम पे, प्रभु ईश्वर के नाम पे कोई करता इतना गंदा काम भाई? मेरी उसमें तो निकल। और क्या लग रहा हो आपको? देखिए राम मंदिर, देखिए भगवान राम की, उसके लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जो इनका वो पूरा प्लेटफॉर्म है ना पैसे कमाने का, चंदा लेकर इकट्ठे करने का, वो सारा इन्होंने कहां कर दिया बताओ तो? राम के नाम पे इन्होंने लूट का पहले मचा भैया, ये सत्ता में लूट के नाम पे चंदा क्यों देते हैं उनको? किन को? आप जैसे लोग। अब एक बात बताओ भैया, हम सुनिए पहली बात, चांदी की देखो ना तो मेरी इतनी हैसियत है, मैं सोने चांदी की ईंट दे सकूं? हाँ मेरे जैसे ने दिया होगा, लेकिन वो जो सोने चांदी की देने वाले वो तो भगवान के उसमें बह गए ना। अब क्या मत भाई हो, इन्होंने लूट का सिस्टम बना लिया, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 18 करोड़ इस चीज का, भगवान राम के नाम पे जो इन्होंने काम करा है, इतना कलंकित काम करा, इस चीज को लोग ध्यान में रखेंगे। अरे नीपने काम कर रहे हैं भैया, हम तो कह रहे हैं बनाओ, चिल्लाओ। एक व्यक्ति की वीडियो, एक वीडियो वायरल हुई थी एक भाई की, मुझे नाम नहीं पता, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए, अच्छी बात है, हुई थी ना वो वीडियो वायरल, तो भाई हम भी कह रहे बनाओ मंदिर इस पैसे को, इससे पहले ये सारे मिलकर खा जा मैं, इससे पहले मंदिर बनाओ। मिलेगी सफलता तो भैया, जब अभी इसमें चुनाव हुए यूपी में भी हो गए, ऐसी बात नहीं, जिला पंचायत के तो काफ़ी हद तक सफलता मिली है, आंदोलन का असर है, ठीक, और आने वाले समय में यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव हैं और ब्लॉक प्रमुख जी के भी चुनाव हैं, तो उसमें मिलेगी। एक सीडी के हिसाब से चल रहे हैं ना, सीडी के हिसाब से काम होगा, अब एक पैड़ी पे चढ़े हैं, दूसरी पे, फिर तीसरी पे, तो उस हिसाब से सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, क्योंकि देश जागरूक है। देखिए हमने तो कानून वापस कराने की बात कही थी इनसे, इन्होंने जब सुनी नहीं है, अब वोट भी तो हम ही देंगे, हमारे अपने लोग तो देंगे, तो अब क्या करें, मजबूरी हो गई ना, चुनाव इनके विरोध में कराना मजबूरी होगी, क्या करेंगे? किसान चुनाव तो लड़ता नहीं, नहीं हमने क्यों नहीं लड़ता, आप कैसे कह रहे हो किसान चुनाव नहीं लड़ता? क्या नेता का लड़का नेता बन सके? क्या मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन सके? भैया चरण सिंह, अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत, आज घर में बैठे हैं वो लोग, उनको वोट मिला? देखो ये वो किसान ही थे, सुन लीजिए वो किसान थे, लेकिन आपने ये कहा ना किसान चुनाव नहीं लड़ते, क्यों नहीं लड़ते, लड़े? नहीं नहीं किसान जो यूनियन है वो तो राजनीति, वो लोग तो मना करते, भाई वोट तो हम ही डालेंगे, यूनियन ही तो है राजनीति का, वोट तो हमारी हैंगी ना भारत में, तो वोट तो हम ही डालेंगे, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे घर परिवार वालों की है, समाज वालों की है, यूपी वालों की है, देश वालों की है, राजस्थान वालों की, हरियाणा वालों, वोट तो यही लोग डालेंगे, या और दूसरे देश डाल। भाई ने सवाल करा कि चुनाव नहीं लड़ते किसान, लड़ते हैं, अब इतने सारे प्रधान बने हैं, युवा प्रधान बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, है ना, बीडीसी मेंबर बने, युवा ही बने हैं, तो उनमें बहुत से लोग किसानों के भी बच्चे हैं, तो क्यों नहीं, अब मजबूरी हो गई ना भाई, इनको बैंक तो पहली कही थी कि ये बात नहीं सुनेंगे तो ये किसान के बालक जाएंगे चुनाव लड़ने, एमपी एमएलए ये बनेंगे, तो वही रुख हम अपना रहे। देखिए ये राकेश टिकैत जी के सवाल हैं, उनके जवाब हैं, बेहतर होगा आप उनके सवालों के जवाब उनसे लोगे, लेकिन मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे लिए कोई ये सब चीज़ें मायने नहीं है कि मतलब बीजेपी को वोट दो या समाजवादी को दो या बसपा को दो, मेरा एक मेरा खुद का मेरा निजी विचार है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र में चुनो अच्छा कौन है, ठीक है,
अपने क्षेत्र के व्यक्ति, भाई क्षेत्र का विकास व्यक्ति करेगा जो चुना जाएगा, वही तो हमारी बात को आगे पहुंचाएगा। तो इस तरीके का अपना विचार है, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। और जवान जवान युवाओं से अनुरोध है, महिलाओं से भी, आइए आप चुनाव लड़िए, अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करिए, अच्छे व्यक्तियों को चुनो और उन्हें चुनाव जिताओ, उन्हें चुनाव लड़ाओ। किसान कह रहे हैं कि जो किसानों के समर्थन में आएगा हम उसको वोट देंगे। मायावती ने जो अकाली दल है पंजाब में उसके साथ गठबंधन कर लिया, अकाली दल ने बीजेपी से किसानों के लिए अपना गठबंधन तोड़ लिया था, तो मायावती किसानों के समर्थन में आ गई है। देखिए उन्होंने गठबंधन करा, मैं पहली बात बसपा से नहीं हूँ, दूसरी बात यूपी मैंने आपको बता दिया मायावती जी की मैं पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं उनको क्यों स्पेशल सपोर्ट करूँ? मैंने मायावती जी से कुछ ले रखा जो मैं उनको सपोर्ट करूँ? चलिए बढ़िया बात है, उन्होंने काम अच्छा करा था, ठीक है, हमें भी पता कि उन्होंने क्या काम करा, कोई हम भी बालक ना एक आध क्लास स्कूल भी गए, हमें भी पता उन्होंने क्या काम करा क्या नहीं करा। तो अब एक इस चीज का कोई मैंने अभी कुछ ले रखा उनसे जो आपको बताऊं? 8 महीने बाद चुनाव है, चुनाव है, चुनाव पे टिकी हुई है, अच्छे व्यक्ति चुनेंगे, अच्छे लोग बैठाएंगे, ठीक। किसान आंदोलन में ये चीज भी देखो ना, कितनी बार समाजवादी के लोगों ने मदद करी, कितनी बार आम आदमी के लोगों ने करी, कितनी बार बसपा पार्टी की जो सुप्रीमो है उन्होंने करी मदद, कितनी बार बॉर्डरों के रुख करे वो भी देखेंगे ना भाई, वो भी तो देखेंगे। तो राजनीतिक जो लोग हैं उनका तो आना अलाउ नहीं है ना, यहाँ पर तो मंच पर नहीं चढ़ सकते, मंच पे ही तो ना चढ़ सकते हैं भाई, वैसे तो हालचाल पूछ सके हैं। ये बुजुर्गों के पैरन में सूजन कितनी आ रही है, कितने लोग परेशान हैं, कितनी दिक्कत है, ये तो देख सके है, मंच पे ही तो ना चढ़ सके, ये बताओ। पर वो लोग आएंगे तो राजनीतिक हो जाएगा ना फिर आंदोलन, जरूरी है अपने काफिले के साथ आओ। हालत गंभीर तो वो भी देखी जा, 2 दिन पहले मैं बॉर्डर पाई देख के गई, मैं कहा क्या हालत है, उस दिन बारिश होगी थी तकड़ी, कितने टेंटों में परेशानी होगी, चुप देख के चले गए, वो भी तो एक बात हो जा, 4 लोगों के साथ तो देख सके, फिर क्या होगा? बड़े चेहरे मायावती वो आएंगे तो पता नहीं चलेगा। अरे भैया वे ही तो बड़े चेहरे, अपने यहाँ क्षेत्र में कितने जाके उन्होंने पंचायत करके समर्थन दिया किसान आंदोलन को, ये भी देखो ना। आप बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, बीजेपी को हराएंगे नहीं, देंगे नहीं। यूपी में बचे 2 लोग जिनके चांस है बनने के, सपा और बसपा, दोनों में से आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों बताऊं? कोई बता नहीं। क्यों बताऊं? मेरी निजी वोट है, मैं अपनी निजी वोट है, मेरी मैं अपने वोट के अधिकार स्वयं रखती हूं और मैं अपनी वोट किसी को भी दूं? आपको क्या इस बात से? बेटर ऑप्शन कौन सा आपके? बेटर ऑप्शन क्या? लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, बुजुर्ग मेरे सारे एक्सपीरियंस करके बैठे, इन्हें पता किसको देनी है? मैं बताऊंगी जब भी पता चलेगी? ऐसी बात करते हो आप? आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं। अच्छी बात है, फॉलो करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं भी अपने बुजुर्गों को फॉलो करूंगी, मैं भी अपने बड़े लोगों को फॉलो करूंगी जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस देश का, इस देश की राजनीति का, मैं उन्हें फॉलो करूंगी। तो कह रहे हैं ना कि बहन जी ने अच्छा काम किया, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो सभी लोगों को साथ रखेंगे, इकट्ठा रहेंगे, जिनके अंदर धर्मवाद नहीं हो, जातवाद नहीं हो, ऐसे लोगों को चुनेंगे। ठीक है, बीजेपी चुनी थी जब भी तो यही था, जब भी तो ये किसानों की बात करते। अब हमें थोड़ी पता ही भैया, अब से पहले बीजेपी सरकार के उसमें टाइम में तो मैं बहुत छोटी थी, इन्होंने पहले क्या करा, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बहुत मना करा, हमने अपनी मर्जी से युवाओं ने इन्हें चुना, ठीक है, इन्हें वोट दिया, हमने इनकी नहीं मानी। बाबा जी कह के गए थे, चौधरी चरण सिंह जी भी कह के गए थे कि इन्हें मत चुनना, इंदिरा गांधी जी जो है वो भी ये बात कह के गई थी, जिस दिन इनकी वो लागू हो जाएगी देश के लोगों को बिल्कुल परेशानी दिक्कत आ जाएगी लोगों को, वही हुआ, लेकिन हम जैसे युवा ने इनकी बात नहीं। अब हमारी इतनी उम्र है, उससे पहले जो 2-3 पार्टी आई हमें उसको भी नॉलेज है कि किस पार्टी ने क्या काम करा, और हमें इनकी भी पता चल गई, 7 साल में हम पूरे दुखी हो लिए भैया, तो अब हमें पता चल गई। फिर दूसरा, अपने बुजुर्गों से बिना सलाह लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए, और हमने यूं काम करा था इनकी पार्टी को लाने में, ये काम बिना सलाह के तो करा, हम मूर्खताई के उसमें पागल हो गए, ठीक, फंस गए ना इस चक्कर में, अब की बार ये नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक। तो अब की बार हम अपने बुजुर्गों से सलाह करके पूछ के जब वोट देंगे। कैसा हो गए योगी जी को? अभी 4 साल पूरी होगी, 4.5 साल के समथिंग, 4.5 साल मिली तुम्हें, मुझे भी ना मिली। और सुनिए, क्या हमारे देश में युवा शिक्षित नहीं है? ये तो आने वाली नस्ल को अशिक्षित बनाना चाह रहे हैं, और मेरे देश में इतने युवा शिक्षित है, इस माइक को ले जाकर देखना कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, और जो जिन्हें क्रिकेट का बी भी ना पता सी भी ना पता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकते हैं, और तुम्हारे जैसे युवा रोड पे ऐसी चप्पल घिस सकते हैं। ले जाके देखिए सारे तामझाम सिस्टम है देश में, कितनी बेरोजगारी फैल रही है, ठीक, दी नौकरी यूपी की देख लो, मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ जी हैं, आप यूपी में ही देख लो, ले जाकर एक काम करिए, मैं एक दिन का टाइम अपने आसपास के 36-37 गांव हैं मेरे, और एक दिन का टाइम उन गांव में लगाएंगे, 1-2 दिन का, फिर पूरे जिले में लगाएंगे, फिर यूपी में आपके साथ घूमेंगे और बताएंगे कितने लोग शिक्षित हैं, नौकरी पाने योग्य हैं,
मैं ये पूछना चाहती हूँ, गृह मंत्री जी के बेटे जो बीसीसीआई के चेयरमैन बनाए थे, एक लाख का सच हुई? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे, आप बताओ ना सच हुआ? अब वोट का टाइम है, अब 2 करोड़ सूबे पद 4 करोड़ में तब्दील कर देंगे, जुमलेबाजी में नहीं आना बस। अरे लूट बच रही है तो एक बात बताओ, भगवान राम थोड़ी कर रहे हैं लूट, उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं देखो ना, भगवान राम कह रहे हैं क्या लूट करो, ये बोलो ना सीधे लूट ये कर रहे हैं, तो सीधे ये बोलो ना उनके नाम पे हो रही, ये कैसे कह रहे हो आप कि भगवान राम ऐसा कर नहीं कर सकते ना भाई। 2014 से पहले बहुत घोटाले हुए, व्यक्ति कहाँ गए? जेल में, ठीक, व्यक्ति कहाँ गए? जेल में। और 2014 के बाद जो घोटाले हुए वो कहाँ है? विदेश, हवाई जहाज, क्या बात होगी? अरे कुछ नहीं। तो कहाँ गए लोग? विदेश, भाग जाओ भैया घोटाले करके। 2014 से पहले का रिकॉर्ड निकाल के देखो, वे जेल जा। ये कहाँ जाएंगे? ये भी तुम्हें दिखने के ना, इसलिए देश की जनता से अनुरोध है, एक रह में, इकट्ठे रह में, धर्मवाद जातवाद के नाम पे वोट ना डालें, देश की शिक्षा सुधरे, युवा नौकरी पे जावे और देश के किसानों की जो है बेहतर इज्जत सम्मान हमेशा बना रहे और उनके लिए प्रोग्रेस हो, इस नाम पे वोट। हम तो चाहते हैं भाई, शिक्षा की बात कर रहे हैं और राम मंदिर भी चाहते हैं, दोनों में से एक ही बनेगा ना? क्यों बनेगा, क्यों बनेगा? ये देश की जनता ने पैसे दिए हैं इतने जो दिए, ठीक, इन्होंने अपनी जेब सुधी है, क्यों चले गए घोटाले में? जवाब दो ना, क्यों चले गए? इनकी सरकार के लोगों से तो भैया, आप जैसे पत्रकार निष्पक्ष लोग हो, अनुरोध करती हूँ सभी चैनल वालों से कि आप लोग जावे और यू सिस्टम उनके आगे लगा मैं और बतावे जी कहाँ है जी इतनी आई थी सब कुछ, इतने लोगों ने मदद करी, धर्म एक धंधा बन चुका है, मानती हैं आप? इन्होंने धर्म को धंधा बना रखा, बिल्कुल ठीक है, हमने नहीं बना रखा, बना रखा इन्होंने जो सत्ता में आवे हैं, सीधे डायरेक्ट नाम नहीं लेती क्या मैं? ये बताओ, जो सरकार है सत्ता में, इनके लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा, सीधी सी बात है, सबने नहीं बना रखा, हमने नहीं बना रखा, इन्होंने नहीं बना रखा, इनको कैसे कह दूंगी मैं? जिन्होंने बना रखा उन्हें कहा जाएगा, सीधी बात है। और क्या हो रहा आप बताओ ना, आप बताओ क्या हो रहा।